आतंकी बनेंगे उनकी तरह, इस तरीके से ये बने हुए हैं। ले लो कोई बात नहीं, करो करो कोई बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए भी तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है। हिंदू राष्ट्र है ये, बनाएंगे क्या इसको, कानून घोषित करेंगे राज्य सरकार। मॉब लिंचिंग करता वो क्या है? मॉब लिंचिंग हत्या है इंडिविजुअल की, वो उसको आप क्या उसको नहीं मानते? क्या मानेंगे उसको, बताइए आप। मॉब लिंचिंग को कुछ नहीं मानते। अरे आप बताइए ना, मैं पूछता हूँ। मस्जिद पर भगवा लहराया जाता है क्या, तब भी आप ऐसे? कोई मस्जिद पर भगवा नहीं रहेगा, 40,000 मंदिर टूट गए, मस्जिदें बनी हुई हैं, आज तक कोई भी मस्जिद इस देश में तोड़ी नहीं गई है। सार्वजनिक मृत्यु दंड दिया जाए, और सार्वजनिक मृत्यु दंड के साथ वो जो 72 घूरों के सपने देखते हैं उसकी जगह 72 दिन उन्हें सुअरों के साथ रखा जाए, ये सजा उन्हें दी जाए। और इस तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारे यहाँ आज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के प्रदर्शन को रोका गया, कल हम आतंकी बनेंगे उनकी तरह, जिस तरीके से ये बने हुए हैं। ले लो कोई बात नहीं, करो करो कोई बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार है, हम मरने के लिए भी तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है। करो बंद, हमने किसी का खून किया क्या? अपने भाइयों के आवाज उठाने आए, बात ही नहीं बोलते आप। परमिशन चाहिए सर, परमिशन कर रहे हैं, यहाँ पे परमिशन नहीं आई है, सब कहा जाते हो तुम, परमिशन जाएंगे आप जाएंगे। भारत का यही लोकतंत्र है, परमिशन 5 मिनट लेके हमारे देश में, ये सिर्फ उनके लिए जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए ये कानून। क्या इनको पता है कि जब आप मारते हैं लोगों को, इनकी परमिशन लेके आते हैं? आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं? हम सिर्फ इसलिए आए उदयपुर में, जो हमारे हिंदू भाई को मारा गया है, किस तरीके से बर्बरता से मारा गया है, उसलिए हम आए। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं है। ये जो तुम आतंकी पाठशाला चला के पूरे विश्व में इस्लामीकरण करना चाहते हो और उसके कानून से विश्व को चलाना चाहते हो, ये भारत में नहीं होगा। अरे अशोक गहलोत की सरकार ने जो उनको करोड़ों रुपए जो डोनेशन दिए, उसको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, आतंक को बढ़ाया जा रहा है सरकारों द्वारा, इनको माइनॉरिटी से बाहर किया जाए, 26 आयतों को बैन किया जाए, जो की आतंकी आयतें इनकी। और क्या कहना चाहते हैं आप, कौन से संगठन से हैं? भारत रक्षा मंच। आज आप लोग यहाँ पर आए थे आतंकी, हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन के लिए आए थे, और आप देख लीजिए किस तरह से हमें भगाया जा रहा है। आप प्रशासन को पहले इजाजत दी थी क्या? सारी सूचना प्रशासन को, प्रशासन को पता नहीं है क्या? हर बार परमिशन लेंगे क्या? वो जब मारते हैं क्या, हम परमिशन लेते हैं? प्रशासन हमेशा ऐसा ही करता है, जो शांतिपूर्वक काम करते हैं उनको रोका जाता है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं दोषियों को सार्वजनिक मृत्यु दंड दिया जाए, जिस तरीके से अपनी कुरान के हिसाब से उन्होंने हमारे लोगों को मारा है, कुरान के हिसाब से उनको सजा दी जाए। में बंद है, अरेस्ट हो चुका है वो, उनको उसी तरह से सजा दी जाए, सार्वजनिक पत्थरों से मार मार के मारा जाए। 72 हूरों के सपने देखने वालों को 72 दिन सुअरों के साथ रखा जाए, सुअरों के साथ खाना खाए। नुपुर शर्मा पे क्या बोल रहे हैं? नुपुर शर्मा ने गलत क्या कहा, आप देखिए उसमें, मोहम्मद साहब के बारे में क्या गलत कहा, आप पढ़िए उसे, पूरी पॉइंट सुनिए, उस मौलाना के बारे में कहिए जिसने हमारे भगवान के बारे में क्या क्या शब्द कहे थे। आप गलत बोलोगे मुझे गाली दोगे, क्या मैं गाली नहीं दूंगा आपको? डॉक्टर वीडियो है, बिल्कुल पूरी की पूरी। आप वो आप क्या चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र है ये, बनाएंगे क्या इसको, कानून घोषित करेंगे राज्य सरकार। मनुस्मृति को हम नहीं जानते, हम ये जानते हैं कि हिंदुत्व सिर्फ वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है और सबको साथ लेके चलना चाहता है, इनकी तरह नहीं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमारे खिलाफ जाओगे तो हम मार देंगे, काट देंगे, तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारी माँ बेटियों की बलात्कार कर देंगे। ये धर्म है,
धर्म है या थूकता हूँ मैं ऐसे धर्म में। वसीम रिजवी जी ने बोला था कि 26 की आयते आतंकी जिससे पूरे विश्व में आतंक फैलाया जा रहा है उनको बैन किया जाए। आतंकवाद है, आतंकवाद। कहते हैं कि सर झुका के जय श्री राम बोलना होगा। जय श्री राम बोलने से झुका के बोलते? आप एक केस बता दो हिंदू ने इस तरह की चीज करी हो। किसने बोला बताओ ना, बताओ ना, रूप दिखाओ। मार काटने की बात हो रही है, महिला के रेप की बात हो रही है। संविधान चलाया जाता है, संविधान से मौत करी है क्या? कल संविधान कल ये जो लोग मरे संविधान से मरे, संविधान में लिखा था कि ऐसे मार दो उनको। अरे कानून बना हुआ है, कोर्ट बनी हुई है, पुलिस बनी हुई है, प्रशासन बना हुआ है, हमारे द्वारा चुनी गई सरकारें हैं, फिर क्यों इस तरह की वारदात होती है? बहुत पहले मुसलमानों के हत्या हुई है, तो उसके लिए कानून खड़ा है ना। हमने तो कानून के साथ बात कर रहे हैं, हमने तो किसी की गर्दन नहीं काटी ना। गिरफ्तारी भी हो रही है, कुरान से इतना पढ़ा था, ये बताओ कानून पे भरोसा है मैम? हाँ बताइए बताइए। आप क्या क्या पूछ रहे हैं? हर मुसलमान ही आतंकवादी देशद्रोही क्यों है? जो अखलाक का मॉब लिंचिंग करता है वो कौन है सर? वो इंडिविजुअल की हत्या हो सकती है, लेकिन हर देशद्रोही समाज, ये आपके चैनल को काट पीट के ऐसा चलाएंगे, हर देशद्रोही मुसलमान ही क्यों है? सामने देख सकते हैं आप किस तरीके से ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, लगातार हिंदू राष्ट्र जबकि बन चुका है, और किस तरीके से ये लोग भाग रहे हैं, इनको परमिशन भी नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं। और कहा जा रहा है यही लोग चिल्ला चिल्ला कर जो है लगातार ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे। लगातार जो अराजकता का आप नज़ारा देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, सीधा सीधा तौर पे सब तस्वीरें देखी है, इनको परमिशन भी नहीं मिली थी, लेकिन भागते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है ये यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई और लगातार ये पुलिस वालों से भी भिड़ गए। अब सामने देखिए तस्वीरें, देखिए जो राजस्थान में घटना हुई है ये देश में पहली घटना नहीं है। लखनऊ में कमलेश तिवारी को मार दिया गया, हर्षा को कर्नाटक में मार दिया गया, कन्हैया कुमार को यहाँ मार दिया गया, रिंकू शर्मा को रोहिणी में मारा गया, आज कन्हैया कुमार वहाँ मारा गया, उधर केरल में प्रॉब्लम हो रही है, आपके सामने जम्मू कश्मीर जो है खाली कर दिया गया हिंदुओं से। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, केवल हमारा कहना ये है कि भाई इस समस्या का समाधान भी तो कुछ होगा कि नहीं होगा? इस समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा? हमारा सरकार से ये कहना है, देश में संविधान है, शासन है, नियम बने हुए हैं, उसके तहत कार्रवाई हो। ये नहीं कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी हुई, मैंने आपकी गर्दन काट दी, ये कैसे हो सकता है? देश में संस्थाएं हैं, शासन है। तो क्या लगता है बाबा, जो आखिरकार लोग अपने कानून अपने हाथ में क्यों लेने की कोशिश करते हैं, क्यों लेते हैं कानून इसलिए लेते हैं कि उनका केवल और केवल उनके दिलो दिमाग में ये चीज बैठी हुई है, गजवाए हिंद, इसलिए वो काम लेते हैं, वो घुमा फिरा के एक ही बात करते हैं। क्या लगता है ये देश धर्म और आस्था से ही चलेगा? ये देश संविधान से ही चलेगा? जिनके दिलो दिमाग में शक है कि ये किसी दूसरी चीज से चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, देश सरकारों से चलेगा, और जो संविधान और देश के खिलाफ जाएंगे, हम आपके द्वारा तमाम देश के ऐसी एजेंसियों को ये वार्निंग करना चाहते हैं कि जिस दिन देश की जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी तो इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। इस तरह की जो हरकतें होती है आए दिन, चार दिन मीडिया पे चलती है और फिर से वही चीजें देखने को मिलती है, देश इस पर क्या एक्शन लेगी? इसका कारण केवल एक ही है कि इनका विरोध उस तरीके से, हिंसात्मक तरीके से नहीं किया जा रहा है जो तरीका इनके पास लड़ने का है। हिंदू समाज, देश का बहुसंख्यक समाज संविधान और सरकारों के बलबूते पर रुका हुआ है, उनके उनको विश्वास करता है और उनके आधार पर रहता है। तो विरोध क्यों कर रहे हैं? अरेस्ट तो कर लिया गया है ना, अब कानून पे। अरे भाई मेरा आपसे एक सवाल है। मैं कहता हूँ कि आपको कि ये जो बंदा जो कन्हैया प्रसाद जो है, कन्हैया लाल जो जिसकी हत्या की गई है, मैं आपको कहता हूँ उसको जिंदा कर दो, जाइए
ये नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं इस घटना, मुस्लिम भी बोल रहे हैं कि देखिए मुसलमानों में ऐसे लोग हैं, हम देशद्रोही मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप ध्यान, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम देशद्रोही, एक चीज बताइए, हम केवल देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं, हम देशद्रोहियों की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। कौन मुसलमान देशद्रोही है, कौन भारत में कैसे पहुंच गए? ये तालिबानी मानसिकता है, ये पूरे विश्व में है, हर आप सीरिया से लेकर आप देखिए सीरिया, फलस्तीन, इराक, यमन, अफगानिस्तान, ये तालिबानी मानसिकता हर जगह है, पूरी दुनिया में है और भारत में भी अपने पैर फैलाना चाह रही है। अच्छा बाबा डिसाइड कैसे कर रहे हैं जो कौन हिंदुस्तानी और कौन देशद्रोही है? आपने कहा ना देशद्रोही मुसलमान इस तरीके है। भाई जो जो देश में से देश के कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करता है, देश के संविधान में विश्वास नहीं करता है, देश के सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करता है, जो यूएनओ में जाने की बात करता है, जो गला काटता है, जो कोर्ट में नहीं जाता और सीधा अपना फैसला करता है, गला काटता है, वो देशद्रोही है। जो मॉब लिंचिंग करता है वो क्या है? मॉब लिंचिंग हत्या है इंडिविजुअल की। वो उसको आप क्या उसको नहीं मानते? क्या मानेंगे उसको, बताइए आप। मॉब लिंचिंग को कुछ नहीं मानते। अरे आप बताइए ना, मैं पूछता हूँ आपसे। मस्जिद पर भगवा लहराया जाता है क्या तब भी आप ऐसे? कोई मस्जिद पर भगवा नहीं रहेगा, 40,000 मंदिर टूट कर मस्जिदें बनी हुई हैं, आज तक कोई भी मस्जिद इस देश में तोड़ी नहीं गई है। जितना मंदिर बने हुए हैं, हम चाहते हैं कि देश के आज के संविधान को सारे लोग माने, हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर रहे और सारे लोग देशद्रोहियों का मुकाबला करें, देशद्रोहियों को समाप्त करें देश से। कौन है देशद्रोही? जो लोग ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये लोग देश में से जम्मू कश्मीर से जोड़े हिंदुओं को खाली कराया, जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं वो देशद्रोही है। जो सीधे यूएनओ की बात करते हैं, हम यूएनओ में जाएंगे, वो सब देशद्रोही और क्या है? लेकिन सब तो कहते हैं हमें ऐसे कानून की व्यवस्था पर भरोसा है, कानून की व्यवस्था पर भरोसा होता तो यूएनओ को आपको भरोसा है? यूएनओ को जाने की बात नहीं, भरोसा है, भरोसा है तब तो, तब तो हम बैठे हुए हैं, हम तो किसी गर्दन नहीं काट रहे, हम तो केवल आपके सामने आकर जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दलितों पर आज भी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं द्वारा, नीचे हिंदुओं को बांटने का प्रयास न कर, दलित नाम करके उसको मारा गया, दलित कोई नहीं, सारा हिंदू है, कोई दलित नहीं, कोई नीचे नीचा नहीं, सारा हिंदू है, तो कहते हैं हम बोध है, सारा हिंदू है, आ जाओ आ जाओ, बहुत छिड़क रहे हैं, सारा हिंदू है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। देखिए आप किस तरीके से, ये सामने तस्वीर है, आप देख सकते हैं कैसे खींच के ले जाया जा रहा है और यहाँ से भागते हुए नजर आ रहे हैं बाबा लोग। चार लोग थे गिनती के जो यहाँ पर आए थे प्रोटेस्ट करने, वो भी बिना परमिशन के, लेकिन बिना परमिशन के यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने की ये बात करते हैं, लेकिन जो CRPF के जवान हैं उन्होंने इन्हें यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, लगातार जो है पुलिस, और ये सीधे सीधे बोल रहे थे सुअरों को, यानी कि मुस्लिम सुअर, उनको लगातार इस तरीके से जो है ये टिप्पणी करते हुए फिर से बोल रहे हैं कि इनको, ऐसे सुअरों को जो है लगातार जेलों में डाला जाए। अब इस अभद्र टिप्पणी का कौन जो है जिम्मेवार होगा? लेकिन ऐसे लोग जो लगातार अराजकता फैलाते हैं, आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से ये अराजकता फैलाते हैं। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, जंतर मंतर, दिल्ली।